केतन, मुझे लग रहा है आपके पास थोड़ी स्टोरीज भी है बताने के लिए। टीम्स अभी सारी की सारी 24 टीम्स स्टेज के ऊपर आएंगी दर्शकों के लिए, ताकि दर्शक उन्हें देख पाए। तो केतन, आप कुछ बताना चाह रहे थे? ऑलरेडी 8 बिट का स्क्वाड आप लोगों को नजर आ रही है। यहाँ पे अक्षु के बाल थोड़े से आपको दिखेंगे, थोड़े से गोल्डन गोल्डन टाइप के, एंड जो की उनकी जो जर्सी है उसमें ब्लेंड कर रहे हैं धीरे धीरे। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो टेड वो भी आराम से अपने काउचेस की तरफ बढ़ते हुए, देयर यू कैन सी कि आज भी अभी यहाँ पे अभी बैठेंगे एंड अपने वो नॉन कैंसिल साउंड कैंसिलेशन यहाँ पे ईयरफोन्स पहनेंगे। यहाँ पे दूसरा स्क्वाड आता हुआ एंड यहाँ पर हमारी टीम ब्लाइंड आ रही है। ब्लाइंड के जो प्लेयर्स हैं दे आर रियली गुड विद देयर एग्रेशन। मैंने ब्लाइंड निक को देखा है खेलते हुए एंड उसका गेम प्ले इट्स लाइक बार एक्सीलेंस। एक होता है कि आप गेम प्ले में एग्रेशन डालते हो और एक होता है कि आप आईक्यू के साथ खेलते हो। तो ये बंदा दोनों चीजों को इकट्ठा लेकर चलता है, सो दैट इज एन अमेजिंग थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, सॉरी केतन टू कट यू ऑफ, बट आराम से चल रहे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है मैच के बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको ऐसे कैजुअली चल रहे हैं। ये वाला आता हुआ यहाँ पे नेपाल का स्क्वाड, देयर यू कैन सी दैट नेपाल यहाँ पे फर्स्ट एवर कोई यहाँ पे लैंड टूर्नामेंट कोई टीम खेल रही है। यहाँ पे वो अपना फ्लैग कंट्री फ्लैग भी लाते हुए, दे आर सो प्राउड। उनसे कल मैंने बात करी थी, वो एंजॉय कर रहे हैं लैंड इवेंट, जो एक स्पोर्ट्स प्लेयर करता है ना दिल से, ये लोग कर रहे हैं एलिमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सारे प्लेयर्स नेपाल में रहते नहीं अभी, इवन तो नेपाल की टीम है और ये स्क्वाड आता हुआ पीछे, तो मतलब मच जाती है। बट यहाँ पे एनटीटी का स्क्वाड आता हुआ, बट उसके बाद यहाँ पे हमारा ब्रॉलर्स का स्क्वाड भी आएगा। देयर यू कैन सी नोआ आइकॉनिक एंड दीस गाइस आल्सो कमिंग अप आफ्टर दी स्क्वाड। बिल्कुल, और पीछे से आ चुका है ईटीजी ब्रॉलर्स का स्क्वाड एंड आप देख सकते हो कि मतलब कॉन्फिडेंस हर स्क्वाड के अंदर है। आप देख सकते हो सांगवान इज देयर, नोवा किंग इज देयर, सो दैट मींस कॉन्फिडेंस इज पार। और इसके बाद जो सरप्राइज आने वाला है, ऑडियंस इज गोइंग टू गो क्रेजी बिकॉज ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत धूम मचाई थी। और जो प्लेयर है उनके पास थोड़े सफेद है, लेकिन मुझे लगता है ऑडियंस को अभी ऑलरेडी पता चल चुका होगा, लेकिन ये जो टीम आई है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत धूम मचाई है और प्लेयर क्राउड फेवरेट। केतन क्या कहना है? सबसे बड़ी बात, अभी यहाँ पे बाल देख रहे हैं स्काउट के, उनका नया स्टाइल है। जितने सफेद बाल हो उतना ही एक्सपीरियंस होता है, ये यहाँ पे है भी और ये प्रूव भी करता है। अब देखते हैं आज आने वाले दिन में ये लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मतलब दो प्लेस के पास एक्सपीरियंस आ चुका है, स्काउट के भी बाल सफेद है एंड पीछे ड्रीम्स के भी बाल सफेद है, सो दैट मींस ये प्रॉपरली चल रहा है। सो पूरा फनाटिक के लिए तो क्राउड क्रेजी हो चुका होगा ऑलरेडी, बिकॉज फनाटिक इज वन ऑफ द फैन फेवरेट्स एज एन ईस्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ये टीम भी ओवरऑल। ओके, बट यहाँ पे अब आप देखोगे गॉड लाइक क्रॉन्टन एंड अब उनका पूरा स्क्वाड यहाँ पे एंट्री लेता हुआ एंड यहाँ पे क्रॉन्टन की यहाँ पे मेरे को बॉडी लैंग्वेज देखनी पड़ेगी बिकॉज ही इज द IGL, ही इज द टीम लीडर ऑफ द क्लैन एंड यहाँ पे दच भी आता हुआ उसके साथ। देखते हैं एंटो कीकीओपी एंड माफिया वो लोग भी अपने यहाँ पे काउचेस लेंगे। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे हैंड रेस है, जो कि हमें टूर्नामेंट में यूजुअली देखने को नहीं मिलता, जो कि एक मोबाइल प्लेयर को जो कि जरूरत होती है, यहाँ पे दे विल बी गेटिंग वन। क्रॉन्टन वाज रेडी टू फाइट एंड यहाँ पर INT का स्क्वाड आ चुका है, देख सकते हो स्लेयर इज आउट देयर एंड INT के सारे प्लेयर्स आपस में यू नो दे आर चीयरिंग द क्राउड एज वेल बिकॉज उनको पता है कि एट द एंड दे हैव टू सोक इनटू द आइस एंड इसी क्राउड को उनको प्रॉपरली यू नो एनचैंट करना अपने गेम प्ले के साथ एंड वो कॉन्फिडेंट है, वो प्रॉपरली इस गेम को अलग लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। सो वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर निखर के आ रहा है, निकल के आ रहा है। एंड INT के बाद हम लोगों ने बात करी डी की जगह, बस एक ऐसा आ जाएगा INS यहाँ पे एंट्री लेती हुई टीम इंसीडियस। सबसे पहले जा रहे हैं बिश्मा, उसके पीछे स्मोकी ट्रिगर एंड आखिरी में जोकर, जो कि काइंड ऑफ मेरे ख्याल से ये इनकी सेम कैरेक्टर्स इनके गेम में भी घूमते हैं बिकॉज जोकर भी आखिरी में घूमता है एज अ स्नाइपर। अब देखते हैं गेम में कितने स्नाइप देखने को मिलते हैं इनके थ्रू, बिकॉज जोकर आपको पता है शॉट अगर ले रहा है तो वो शॉट मिस नहीं करता। अब देखना पड़ेगा यहाँ पर बाकी प्लेयर्स मिस करवाना चाहेंगे या नहीं। ओके, बट यहाँ पे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टीम इनसेन इज कमिंग अप एंड इनकी भी मैंने बहुत चर्चा सुनी थी जब हमने PMCO भी देखा था लास्ट टाइम में, देवर मैक्सिमस एक्स एंड यहाँ पे आपकी स्क्रीन में प्लेयर्स के नाम KO, इग्नाइट, डूड एंड ओमेगा अपनी सीट्स यहाँ पे लेंगे एंड इसके बाद हमारी टीम मेहम आ रही है। देयर यू कैन सी रेड्स यहाँ पे लीड कर रहे हैं एंड पीछे वैम्पायर एंड क्लोक भी आते हुए। बिल्कुल, एंड हर एक टीम को यही चाहिए इस टाइम पे कि बस वो बैठे अपने एरिया पर एंड बस गेम शुरू करें, बिकॉज उनको डोमिनेशन एंट्री में तो उन्होंने दिखा दिया हर टीम ने, बट उनको गेम में डोमिनेशन जो दिखाना है वो हर टीम दिखाना चाहते हैं। रेड्स, नोवा, वैम्पायर एंड क्लोक अपना एरिया लेते हुए, बट देन इसके बाद जो अगली टीम आएगी दैट विल बी ऑल्सो एन अमेजिंग टीम टू विटनेस। मेगा स्टार्स की टीम आने वाली है बिकॉज ये पूरे एरिया के अंदर फाइट्स आर गोइंग टू हैपन एट एन अमेजिंग लेवल। मेगा स्टार्स की टीम, they are walking on the stage and crowd is also going crazy out here and apna area pakdenge and uske baad fights lene ke liye to every team is ready. Okay, but is team ke baad jo ek mega x ka jo squad aa raha hai usme ek player hai slacks karke, yeah. Unka hum logo ne domination dekha tha scrims mein, bahut zyada acha khele the, but ab yahan pe dekhna banta hai ki LAN mein wo log kaise khelte hain, but uske sath sath there you can see that crowd cheer coming up for them kyunki ye player meri khayal se
द प्लेयर टू लुक आउट फॉर ही इज द मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर जिसने अभी तक इंप्रूवमेंट के हिसाब से बिकॉज इस बंदे ने इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे 1v4s कर रखे हैं सो दैट मींस इस प्लेयर को देखना पड़ेगा कि इस लेवल पर बिकॉज ये उससे ज्यादा हायर स्टेक्स रखता है ये कॉम्पिटिशन सो किस लेवल पे ये नो गेम प्ले चलता है एक और नेपाली टीम यहाँ पे एंट्री लेती हुई एंड यहाँ पे यू कैन सी देयर नेम डिस्कनेक्ट एक इंटरेस्टिंग नेम लक्ष्य ओपी माफिया निंजा एंड यहाँ पे LR2 अब देखते हैं इन प्लेयर्स पांच प्लेयर्स हैं ये लोग एक इनके पास एक सब्स्टिट्यूट भी है जो कि PMCU का हमारा फॉर्मेट भी था कि दे कैन ऑल्सो यूज अ सब्स्टिट्यूट हिज विल एंड अभी नेपाली टीम यहाँ पे सपोर्ट मैं देखना चाहता हूँ कि उनको यहाँ पे इंडियन फैंस भी सपोर्ट करे बिकॉज दे आर न्यू टू आवर कंट्री आर यहाँ पर आ चुकी है क्राउड फेवरेट कैरी एग्जिस्टेंस मावी एंड संधू ये चार प्लेयर्स जहां पर भी जाते हैं धूम मचा कर आते हैं एंड ये गेम प्ले देखना पड़ेगा कि ये पहले मैच के अंदर डोमिनेशन शुरू करते हैं बिकॉज इनका स्टार्ट ही होता है डोमिनेट करो माइंडसेट रखो एंड गेम को यू नो अपने हिसाब से खेलो ना कि गेम ये गेम के जोन के हिसाब से नहीं खेलते जोन को अपने हिसाब से खिलाते हैं तो वो डोमिनेशन देखना पड़ेगा ओके बट कोई दिक्कत नहीं है बट अभी यहाँ पे हम देखेंगे इन्हीं के पीछे वॉकथ्रू लेते हुए ORP ऑफिशियल का स्पॉट एंड देयर यू कैन सी एक छोटी सी हाइट का एक यहाँ पे बच्चा घूम रहा है मैट डॉग के पीछे जो दिख भी नहीं रहा अभी आपकी स्क्रीन पे बट वो बंदा खेलता है क्या जबरदस्त वो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा इनके भी पांच प्लेयर है इनके पास भी एक सब्स्टिट्यूट है अब देखते हैं मैक्स कश है इनके पास मजिक है सिनिस्टर है कैसे ये टीम यहां पे फॉलो ऑन करेगी इस वाले टूर्नामेंट में अ गुड थिंग टू लुक आउट फॉर आफ्टर दिस द कॉनिंग ईस्पोर्ट्स यस यहाँ पर रेकनिंग स्पोर्ट्स इसके बाद आएगी वो अपने नाम के ऊपर रखना चाहते हैं दे वांट टू रेकन दिस कॉम्पिटिशन बिकॉज ये टीम किसी से अभी पीछे नहीं हटना चाहती डॉन डेव राइजर इबान ये चार प्लेयर्स यहाँ पर हैं एंड इबान इज अ गुड प्लेयर राइजर इज एन अमेजिंग प्लेयर डेव बहुत अच्छा एंट्री फ्रैगिंग करता है सो दैट मीन्स इनकी लाइनअप इज यू नो प्रॉपरली बैलेंस लाइनअप बट गेम प्ले में कैसे जाएंगे वो चीज हमें देखना पड़ेगा RIP ऑफिशियल आते हुए यहाँ पे टेम्पेस्ट यहाँ पे मैं इस प्लेयर को देखना चाहता हूँ आज के दिन में ये कैसे खेलता है बट एज ऑफ नाउ इनके और पीछे तीन प्लेयर आते हुए जो कि इनको फॉर श्योर सपोर्ट करेंगे टीम में क्योंकि इन लोगों ने बहुत बार इन लोगों ने अपनी वो छाप छोड़ रखी है जहाँ पे ये लोग 4v4 बहुत सारी टीमें बैक ऑफ भी कर जाती है इनके क्लोज एनकाउंटर इनके स्नाइपिंग इनके DMRs बट यहाँ पे एक और यहाँ पे सॉल्टी स्क्वाड जो कि नेपाली स्क्वाड आता हुआ एंट्री ले रहा है सॉल्टी स्क्वाड क्राउड फेवरेट है लुक एट देयर लोगो वो अपना प्रॉपर लोगो दिखाते हैं दे आर लाइक ये कंपटीशन डोमिनेट करेंगे रुसन एजे नीमा एंड वी कैश एंड ये स्क्वाड मतलब इंडिया में भी क्राउड पे आपने देखा क्राउड ने चीयर किया था स्टार्टिंग में सो इंडिया में भी एक क्राउड फेवरेट स्क्वाड है बट इसके बाद अब जो टीम आने वाली है इसके लिए ऑडियंस पागल होने वाली है टू टाइम नेशनल चैंपियंस देयर यू कैन सी सोल मॉर्टल कमिंग अप फॉलोड बाय सोल वाइपर रेगल टॉस And soul past. Yes, but that means कि यहाँ पर ये लोग तैयार हैं क्लच गॉड अभी खेलेंगे लेकिन ये पूरी की पूरी टीम ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं और फैंस बहुत सारे हैं लाइक यू नो वाइप आई मीन मॉडल इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर सो फैंस तो बहुत सारे सो फैंस की एक्सपेक्टेशन भी कैसे जाते हैं वो देखना पड़ेगा ओके सो अब यहाँ पे सिनर्जी का स्क्वाड यहाँ पे एंट्री लेता हुआ श्राइडर मेजर अल्फा मैं देखना चाहूंगा इस बंदे को सीवी भी अच्छा खेलते हैं ऑस्टिन एक्स ये स्क्वाड मेरी ख्याल से टू लुक आउट फॉर बिकॉज जो प्रीवियस टूर्नामेंट भी हम लोगों ने कास्ट करे थे भाई मेजर अल्फा ने क्या सेनहॉक में इस बंदे ने मेरे को मैं पर्सनली इस बंदे से इंप्रेस्ड हूँ जो इसकी स्पॉटिंग लेवल है उसके बाद जो एक जो एम कर्सर हमारा मूव करता है दैट इज समथिंग अमेजिंग टू लुक आउट फॉर बट यहाँ पे सिर्फ एक ही गर्ल गेमर यहाँ पे आई है खेलने के लिए यहाँ पे सिनर्जी रिट्रीब्यूशन में वो है एंड शी इज द वन ओवर हियर टू रिप्रेजेंट सिनर्जी रिट्रीब्यूशन एंड ये शेरलॉक है एंड मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे बहुत सारे गोल गेमर्स भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं जहाँ पे वो लोग हमें ग्लोबल लेवल पे भी जाके हम लोगों को रिप्रेजेंट करें बट एज ऑफ नाउ सिनर्जी रिट्रीब्यूशन अपनी यहाँ पे सीटिंग ले ली है यहाँ पे ट्रस्टेड प्रोसेस अगली टीम आने वाली है ट्रस्टेड प्रोसेस एक और नेपाली टीम यहाँ पर आ रही है एंड ऑब्वियसली प्लेयर्स आर रियली रियली यू नो इनटू द कंपटीशन बिकॉज एक होता है कि आपके उनके चेहरे पर दिख जाता है दे वांट दैट कंपटीशन टू हैपन एट एन अमेजिंग लेवल वो कंपटीशन के लिए वो लोग बैठना चाहते हैं यू नो फाइट लेना चाहते हैं बिकॉज वो फाइट इंपॉर्टेंट हो जाती है बट इसके बाद जो आएगी वो होगी 0 degree एंड वो टीम भी ऑब्वियसली यू नो खुद का लोहा मनवा चुकी है तो देखना पड़ेगा कि गेम में अब बिकॉज सारे रोस्टर्स भी शफल हो रखे सब कुछ हो रखे तो कैसे पूरा का पूरा गेम प्ले चेंज होता है बट 0 degree का स्क्वाड यहाँ पे मैं बोलूंगा अंडरडॉग जो कि पान सिंह यहाँ पे इस टीम को मेरे ख्याल से लीड करेंगे ही इज द आईजल ही विल बी द आईजल इनके पास पूरे चार प्लेयर्स है बाकी देखते हैं कैसे ये टूर्नामेंट आगे करेंगे बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं बट यहाँ पे ये टीम अंडरडॉग है देखते हैं ये लोग कैसे मूव करने वाले हैं आगे इस टूर्नामेंट में लेट्स सी गो फॉर गॉड और टीम की जब जहां तक बात करें मैंने पहले भी बताया था कि हाँ सीडिंग के हिसाब से ग्रुप बनते लेकिन जो शफल्स हुए हैं तो जो आपको मैं मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि मैं दो दिन से सोच रहा हूँ कि इतनी बहुत सारी टीम शफल हुई